रूस और ऑस्ट्रेलिया से बांग्लादेश के लिए बहुत ही बुरी खबर आई है। बांग्लादेश के खिलाफ रूस और ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। अब ये है कि पूरी का पूरा पाकिस्तान कटोरा लेके खड़ा हुआ है। एग्जैक्टली वही सिचुएशन बांग्लादेश में नजर आ रही है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसके बाद वो और ज्यादा रेडिकलाइज इस्लाम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा उसका यह है कि जितना भी रेडिकलाइज इस्लाम फैलने की वजह से बांग्लादेश में जितनी भी इंडस्ट्रीज और मेनली गारमेंट इंडस्ट्रीज थी, सारी वहां से भागना शुरू कर चुकी। बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने की मुहिम में अब रूस भी जुड़ चुका है और यकीन मानिए ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। रूस ने बांग्लादेश से अपना कर्ज वापस मांगा है करीबन $630 मिलियन। और आपको बता दूं ये कर्ज नहीं है, बांग्लादेश ने जो कर्ज लिया है उसका ब्याज है। वो कहते ना कि चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए। एग्जैक्टली, जब आपकी चादर छोटी हो और आप सोने के लिए लेटे तो कभी आपका सर खुल जाए और कभी आपके पांव खुल जाएं। ये एक्शन ऐसे समय पर लिया गया है जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तेजी से नीचे गिर रही है। रूस ने तो कंगाल हो रहे बांग्लादेश के हाथ काट दिए, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश की टांगे तोड़ दी हैं। सोचिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को अरब लोग कभी मुंह नहीं लगाते, दफा कर देते हैं, दफा हो जाएं। $80 करोड़ गौतम अडानी साहब ने मांग लिए हैं बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश ने ये जो ऐनक लगाई हुई थी ना, ये वाली जिससे सब हरा हरा नजर आ रहा था और सब अच्छा अच्छा नजर आ रहा था, वो ऐनक फौरी तौर पर उतर चुकी है। तो बांग्लादेश वाले क्या करेंगे, वो इंशाल्लाह ताला माड़ी तरह वो भी चितर ही खाएंगे। अब चितर खाएंगे, वो उनको पढ़ने हैं, उन्होंने काम ही ऐसा किया। भार की जिंदगी बहुत हुई, जब आपको भारत पसंद नहीं तो भारत का उधार की पसंद है। इसीलिए हमारा करीबन 600 से लेकर $700 मिलियन बैठता है आपकी तरफ, यानी करीबन 4,500 करोड़ भारतीय रुपये। आप ये 4,500 करोड़ रुपए हमारे चुका दीजिए, तभी भविष्य में बिजली आपको हम प्रोवाइड करा पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एंटी इंडिया नारे लगा के और भारत को आंखें दिखा के बांग्लादेश ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। आज बांग्लादेश की हालत ऐसी हो गई है कि बांग्लादेश 20 साल पीछे चला गया है। अब भारत के बाद रशिया ने भी बांग्लादेश को उसकी औकात दिखा दी है और बांग्लादेश को 3 दिन की मोहलत दी है कि उनके पैसे वापस करो। बांग्लादेश का पैसा लगातार खत्म होता जा रहा है। कुछ दिनों में बांग्लादेश के पास इतने भी पैसे नहीं रहेंगे कि वो ऑयल और गैस खरीद सके। कुछ दिनों में बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। आज पाकिस्तान में 30,000 कमाने वाले लोग, उनका अकेले 20,000 का बिजली बिल आ रहा है। यही हालत अब बांग्लादेश का भी होने वाला है। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत पर दबाव बनाया था कि तीस्ता जल समझौता पर साइन करो और हमें ज्यादा पानी दो, वरना आने वाले दुर्गा पूजा से पहले हम भारत को जो हिलसा मछली का एक्सपोर्ट है, जो कि बंगाल कल्चर में बहुत अहम माना जाता है, उसका एक्सपोर्ट बैन कर देंगे। एक तरीके से भारत को ये ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। आज भारतीय कंपनी अदानी पावर ने बांग्लादेश को धमकी दी है कि अगर बांग्लादेश को भविष्य में बिजली चाहिए तो बांग्लादेश हमारा $500 मिलियन वापस करे। बताया जा रहा है कि ये रकम 800 मिलियन से भी ज्यादा है। भाई, बांग्लादेश को अगर आप उठाकर देखोगे तो आपको एक चीज साफ तौर पर नजर आएगी कि भाई ये जो बांग्लादेश है, असलियत में बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान वाली प्रॉब्लम नहीं थी। पाकिस्तान ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी या सेपरेशन की लड़ाई लड़ी, वो लड़ी थी इस्लाम के नाम पर। लेकिन बांग्लादेश ने इस्लाम के नाम पर सेपरेशन की लड़ाई नहीं लड़ी, बांग्लादेश ने लड़ाई लड़ी इस्लाम की जगह बंगाली जो आइडेंटिटी थी उसके नाम पर, कि हमारी आइडेंटिटी बंगाली है। अब प्रॉब्लम यही आई कि बंगाली आइडेंटिटी को सपोर्ट करने वाली आवामी लीग थी और इस्लाम की, रेडिकल इस्लाम को सपोर्ट करने वाली जो पार्टी थी वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP थी। अब बांग्लादेश से आवामी लीग को भगा दिया गया, तो यहां पर इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस जो थी वो दोबारा शुरू हो गई, यानी इन्होंने बंगाली आइडेंटिटी को शेड आउट कर दिया। अब प्रॉब्लम यह है, उस बंगाली आइडेंटिटी को शेड आउट करने के लिए उन्हें रेडिकल इस्लाम को फैलाना पड़ रहा है और जानबूझकर हिंदुओं को मारना पड़ रहा है, क्योंकि हिंदुओं को मारने का मतलब बुद्ध शिकन या बुद्ध शिकन जिसे कहेंगे कि मूर्तियां तोड़ने वाला, मूर्ति तोड़ने वाले लोगों को या काफिरों को मारने वाले गाजी बनाने की तैयारी अगर कर रही हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा रेडिकलाइज पॉपुलेशन को करना होगा। और जैसे जैसे पॉपुलेशन रेडिकलाइज हो रही है, इसे समझेंगे, जैसे जैसे पॉपुलेशन रेडिकलाइज होगी वैसे वैसे इस्लाम को मानने वाले लोग ज्यादा बनेंगे और बंगाली आइडेंटिटी को खत्म कर देंगे। यानी जो आइडेंटिटी क्राइसिस पाकिस्तान झेल रहा है और केवल इस्लाम का झंडा बुलंद करने की वजह से अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को खत्म कर गया। और आज के दिन हालात ये हैं कि पूरी का पूरा पाकिस्तान कटोरा लेके खड़ा हुआ है।
एग्जैक्टली वही सिचुएशन बांग्लादेश में नजर आ रही है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसके बाद वो और ज्यादा रेडिकलाइज इस्लाम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा उसका यह है कि जितना भी रेडिकलाइज इस्लाम फैलने की वजह से बांग्लादेश में जितनी भी इंडस्ट्रीज और मेनली गारमेंट इंडस्ट्रीज थी सारी वहां से भागना शुरू कर चुकी है। इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं। यानी पाकिस्तान वाली आइडेंटिटी क्राइसिस का जो प्रॉब्लम है वो बांग्लादेश के अंदर भी आ गया है, और यही रीजन है कि वो आइडेंटिटी क्राइसिस को आने की वजह से उसे पाकिस्तान ज्यादा करीब लग रहा है। सोचिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को अरब लोग कभी मुंह नहीं लगाते, दफा कर देते हैं, दफा हो जाओ यहां से। यहां तक कि जो अरब कंट्रीज के अंदर जो मतलब शेफ से लेकर हर कोई काम करने वाला बंदा अगर दिखाई देता है तो वो आपको पाकिस्तान या बांग्लादेश का मुसलमान दिखाई नहीं देता, या तो वो कोई तीसरे देश का मुसलमान दिखाई देगा या फिर भारत से गए हुए हिंदुओं को ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं कंपैरेटिवली यूरोपियंस, कंपैरेटिवली बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों। ये सिचुएशन जो है ये काफी ज्यादा जिसे कहते हैं कि बांग्लादेश को समझनी पड़ेगी, लेकिन वो नहीं समझेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं रेडिकलाइज्ड जो आइडियाज हैं और अमेरिका का जो पंप मारा हुआ है इसने बांग्लादेश की सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी है, और पहले सोचने समझने की शक्ति पाकिस्तान की खत्म की थी, अब बांग्लादेश की खत्म हो गई है, तो बांग्लादेश असलियत में पाकिस्तान के रास्ते पर चल चुका है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान भी बांग्लादेश बनता जा रहा है? सवाल तो ये भी है कि भाई बांग्लादेश में असलियत में क्या हुआ, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर प्रोटेस्ट हुए और कहीं ना कहीं उनकी जो एक एस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई थी उसको उखाड़कर बाहर फेंक दिया, उसको भागने पर मजबूर कर दिया। एग्जैक्टली यही सिचुएशन आज के दिन बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हो रखी है। पाकिस्तान के अंदर क्या क्रिएट हुआ कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के समर्थक लगातार सरकार पर दबाव बनाए रखने के लिए कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत कर रही है, और उन्होंने इस्लामाबाद में एक रैली बुलाई। पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में रैली को बुलाने का मतलब यह है कि इस्लामाबाद के आसपास वो जो क्या नाम है गेट नंबर 4 है और रावलपिंडी है वो घबरा जाता है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर इस्लामाबाद में आ गई तो सेना की पकड़ कमजोर हो रही है, और यही रीजन है आर्मी ने जैसे ही इन लोगों को देखा कि भाई ये इतने सारे इकट्ठे हो रहे हैं उन पर फायरिंग शुरू कर दी। अब अगर इमरान खान की पार्टी के लोगों में थोड़ी सी भी कॉम्पिटेंसी होगी तो इस मुद्दे को और ज्यादा बढ़ाएंगे, इतना ज्यादा बढ़ाएंगे कि सरकार के ऊपर दबाव क्रिएट हो जाएगा, सेना पर दबाव क्रिएट होगा। जब गौतम अडानी ने बांग्लादेश को ये कहा कि आप $800 मिलियन हमें जरा इनायत कर दें, तो $80 करोड़ गौतम अडानी साहब ने मांग लिए हैं बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश ने ये जो ऐनक लगाई हुई थी ना, ये वाली जिससे सब हरा हरा नजर आ रहा था और सब अच्छा अच्छा नजर आ रहा था, वो ऐनक फौरी तौर पर उतर चुकी है। अब गौतम अडानी का बांग्लादेश से बिजली के $80 करोड़ पेंडिंग ड्यूज अदा करने की डिमांड, गौतम अडानी ने मुतालबा कर दिया है बांग्लादेश से कि $80 करोड़ जो आप हमारी बिजली इस्तेमाल करते हैं उसके वाजिबात अभी रहते हैं, यानी कि बिजली का बिल तुसी जमा नहीं कराया। ये वही हालात हैं कि जो पाकिस्तान में बिजली के बिल जमा जो हो रहे हैं वहाँ पर लोग अपने ज़मीनें बेच बेच के बिजली के बिल अदा कर रहे हैं और उनके पास पैसे नहीं है बिजली के बिल अदा करने के। तो बिजली के बिलों की बात पहुँच गई है बांग्लादेश तक, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ऐसी की तैसी कटो साढ़े रसीदा कटो, नहीं उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बिजली दे बिल कटो। उन्होंने लेटर लिखा है बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बड़े आराम से प्यार से उन्होंने कहा है कि भाई साहब ये $80 करोड़ बन चुके हैं तो हमने भी आगे अदा करने हैं, हमारी भी एक कंपनी है, उस कंपनी का काम ये है कि वो जब आपको बिजली लेती है तो वो बिजली जहाँ से लेती है जिस तरीके से हम पूरा करते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ता है, तो ऐसा करें कि ड्यूज बहुत जमा हो गए हैं, पेंडिंग ड्यूज आपके बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो आप पहले वो हमें दे दें। जब वो कहते हैं ना कि चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए, एग्जैक्टली जब आपकी चादर छोटी हो और आप सोने के लिए लेटें तो कभी आपका सर खुल जाए और कभी आपके पांव खुल जाएं,